दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सुबह आज मैं जग गई हूँ और कहाँ जा रही हूँ सभी को पता होगा कि आज है वरगदाई अमावस, वट सावित्री की पूजा होती है। तो काफ़ी लोग करते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान यहाँ नहीं जानते हैं, यूपी में ज़्यादा, यूपी बिहार में किया जाता है ज़्यादा, और लोग भी करते हैं लेकिन यूपी बिहार में ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। तो सुबह खाना बना दिया था हस्बैंड के लिए और अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसे जाना था स्कूल, हस्बैंड को जाना था ड्यूटी। तो उनका पहले मैंने खाना बनाया, टिफ़िन लगा दिया, उसके बाद अपने लिए अपना बना रही हूँ, क्योंकि पहले उठी, झाड़ू पोछा किया, नहाया और उसके बाद मैंने साड़ी ही डाल ली थी, क्योंकि ब्लाउज पहन लिया है, साड़ी डाल ली थी क्योंकि अभी खाना आना बनाना था, तो इसलिए ऐसे ही मैंने डाल ली थी ये। और यहाँ पे मैं बना रही थी बरगदा, जो मीठे होते हैं, चीनी में मैंने आटा को गूंथा था और ये गोल गोल बनाए जाते हैं। जैसे दो लोग करते हैं पूजा तो 12 लगते हैं और अकेले करो जैसे तो 24 लगते हैं। तो ये बना लूँगी और फिर मीठे पूड़ा जो होते हैं वो बनाऊँगी, पूड़ियाँ सेकूँगी, ये सब बना के पूजा की थाली लगाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी पूजा करने, क्योंकि धूप बहुत हो जाती है फिर, और पूजा करने के बाद ही पानी पिया जाता है। और मुझे क्या होता है, जब मैं व्रत कोई भी रहूं, मुझे प्यास बहुत लगती है, बहुत सुबह से लगने शुरू हो जाती है, और गर्मी है तो वहाँ जाऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरी बेटी थक गई थी, वो बेचारी पकड़े पकड़े कैमरा, कभी ऐसा बनाया कभी जैसा बनाया, आप लोगों ने शेयर कर दिया, वो आके फिर मेरी हिम्मत नहीं रही जो मैं ब्लॉग बनाती, क्योंकि रात के 12:30 तो बज ही जाते हैं, हम लोग सोते हैं जब तक, क्योंकि बैटरी पाए जब से थोड़ा लेट हम लोग सोते हैं, सभी को पता है। और सुबह जल्दी जग गई थी 4 बजे, तो नींद भी नहीं हुई थी पूरी, वहाँ से आई, चाय बनाई, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, आके एंड कर दिया था वीडियो का। और उसके बाद फिर मैं चाय बनाने के बाद चाय पी, उसके बाद बच्चों को खाना दिया, और सोमवती अमावस भी थी तो वो भी पूजा करनी होती है, तो इस वजह से दो थी कल, तो फिर मैंने नहीं बनाया था वीडियो, उसके बाद एंड कर दिया था और फिर मैं सो गई थी दोपहर में, तो इस वजह से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आप लोग ज़रूर पूरा देखना। और यहाँ पे मैंने बरगदा जो थे ये सेक लिए, उसके बाद ये पुआ जो है ये भी सेक लूँगी क्योंकि ये भी रखे जाएंगे, और पूड़ियाँ हैं, पूड़ियाँ बना लूँगी, थोड़ी बनाऊँगी फिर आके बनाऊँगी, क्योंकि लड़की को 2 सेक दी थी उसने खा लिए थे, पहले पूजा का मैंने बना लिया, उसके बाद लड़की को मैंने दिया, उसे खिला दिया था, और बेटा आएगा जब तक मैं आ जाऊँगी पूजा करने करके, उसके बाद खाना बना दूँगी। और सोमवती अमावस थी तो तेल और हल्दी ये छूते नहीं हैं, तो देखूँगी क्या बनाऊँगी, या तो नमकीन पूड़ी बना दूँगी, सॉस रखा है उससे बच्चे खा लेंगे। और यहाँ पे पूजा का सामान लगा दिया था, पूड़ी उड़ी बन गई थी, यहाँ थोड़ा तैयार हो रही थी, मैंने पहन ली थी साड़ी, और यहाँ पे थोड़ा तैयार हुई, थोड़ा वीडियो बना लिया था, ऐसे रख दिया था साइड में, थोड़ा सूट कर लिया था, ये सूट तो किया था पर मैंने कट कर दिया काफ़ी, जो मैंने वो थोड़े थोड़े रखे थे, फिर बड़ा नहीं किया क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं तो इसलिए। और यहाँ हो गई थी तैयार, क्योंकि जाना है तो इस वजह से थोड़ा जल्दी कर रही थी, तो यहाँ से निकलते निकलते फिर भी 9 तो बज ही गए थे, क्योंकि टाइम हो जाता है कितना भी करो, तैयार हो गई थी। उसके बाद ये रंग लगा रही थी, महावर जो होती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या करते हैं, पूजा करते हैं तो महावर जरूर लगाते हैं, बिना महावर या कहीं जाओ। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आस्था फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। आज सुबह से मैंने स्टार्ट किया है ब्लॉग और आज है वट वृक्ष की पूजा, बरगदाई अमावस हमारे यहाँ बोलते हैं। तो सुबह उठ गई थी, काम कर लिया था, झाड़ू पोछा, उसके बाद पूजा बनाई, पूजा के लिए पूड़ी और जो बरगदा बनाए जाते हैं वो, और उसके बाद थाली वाली पूजा की लगा ली और मैं हो गई तैयार रेडी। तो आप लोगों को लेके चलूँगी, आप लोग भी चलना कैसे मैं पूजा करूँगी, आप लोग बने रहना ब्लॉग में। तो चलिए मिलूँगी रास्ते में, अभी तो बुआ के साथ जाऊँगी तो उनके यहाँ से जाऊँगी, तो उनके यहाँ का थोड़ा बहुत बनाऊँगी टाइम मिलेगा तो। यहाँ पे आ गई थी बुआ के यहाँ, फूफा बैठे थे तो पैर छुए उनके, और उनको भी पता है कि ये वीडियो बनाती हैं, तो लड़की ने नहीं बनाया ज़्यादा, और वो पूजा का कुछ बोल रही थी, पूछ रही थी क्या कैसे क्या क्या रखना है, तो मैं देखी, भूल जाती है ना हम लोग, एक दूसरे को याद दिला देते हैं,
कभी कभार ध्यान नहीं रहती है क्या क्या रखना है, तो यहाँ पे थोड़ा लिया था, उसने नहीं बनाया। और ये पहुँच गई थी, मैं जा तो रही थी दादादेव मंदिर, लेकिन बीच में ये पीपल वो बरगदा मिल गया, यहाँ लोग पूजा कर रहे थे, तो यहीं पे हम लोग बैठ गए कि क्यों इतने दूर जाना इतने धूप में, और इतनी चटक धूप है। और बुआ जो है वो खाना ना तो बना के आई थी, फूफा को ड्यूटी भी जाना है, लड़की अपनी छोटी जो इससे लड़की जो खड़ी है इससे छोटी है वो छोड़ के आई थी, तो बोली यहाँ जब सब पूजा कर रहे तो यहीं कर लो, वहाँ इतने दूर क्यों जाना। हम लोग पानी लेके गए नहीं थे क्योंकि मंदिर में पानी मिलता है वहीं से ले लेते, यहाँ घर से क्यों भर के लेके जाते, वजन और हो जाता, तो वे दुकान से मीठा पानी वहीं से हम लोग ले लेके आए। इन लोगों से पूछा तो इन लोगों ने बताया कि वहाँ सामने से दुकान है उसमें मीठा पानी रखा है, जो बेचते नहीं है बेचारे वे दे रहे थे पानी, बोले ले जाओ, तो हम लोग बच्चों को दे दी थी वो पूजा के जो हम लोग लोटा जो रखे हैं पूजा के, तो इन्हीं में भर भर के लेके आ गए थे, यहीं पूजा कर ली, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, घर के रोड पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहीं पे बैठ गए पूजा करने के लिए। वो सभी कर रही थी, यहाँ करती जा रही थी, जा भी रही थी, और पूजा वूजा कर ली। उसके बाद ये पैकर्मा जो लगाते हैं जो धागा होता है, ये 12 बार हम लोग चक्कर लगाएंगे, और यहाँ पे अपने अपने यहाँ के रिवाज होती है जैसे जो करे, तो इसने कैसे पकड़ा, इसने ऐसे पकड़ लिया ये कैमरा, तो वीडियो तो थे नहीं, पर यही मैंने लगा दिया, तो ऐसे मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं लगाती कभी, लेकिन ये बनाया ही नहीं इसने, थक गई थी ये भी बेचारी पकड़े पकड़े हाथ में, फिर ये थोड़ा ये बनाया। और रोड के किनारे है ये पीपर, बसें ऐसे निकल रही, देख लो आप लोग भीड़ भाड़ है, काफ़ी लोग थे, सभी पूजा भी कर रहे थे और आ भी रहे थे जा भी रहे थे, तो यहीं पे ऐसे ही हम लोगों ने पूजा की। उसके बाद ये जो बल्दते हैं बुआ हैं ये नंद भौजाई या बहन ऐसे बल्द लेते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उन्होंने पहले बल्दा फिर बाद में मैंने बल्दा था, ये अपने अपने यहाँ की रिवाज होती है जैसे जो करता हो, पूजा मेरे यहाँ ऐसी ही होती है तो मैं ऐसे ही कर रही थी। तो आप लोगों के साथ शेयर किया, उम्मीद करूँगी कि पसंद आएगा, जैसा भी ब्लॉग बना है तो आप लोग ज़रूर देखना। पूजा वूजा कर ली, और जो चना होते हैं फूलन रात में डाल दिए थे तो ये लिख ले जाते हैं ऐसी 12, तो ये मैंने पानी के साथ ही लिख लिए। उसके बाद ही जो सामान रखा था हम लोग ने जैसे बल्दे थे पूड़ी जो बरगदा ये सब बनाया था, तो ये मुझे ही खाना है, जो पूजा करता है उसी वो ही खाता है, तो ये बुआ को आ गई। अब वीडियो का यहीं पे एंड कर दूंगी, काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है इसलिए पंखा चालू करना पहले, तो और चाय बनाऊंगी, चाय पहले पीऊंगी और उसके बाद प्यास भी लगी है, वहीं पे जो चावल वो चना लिगले थे वही थोड़ा पानी पिया था, अब आई हूँ और पहले चाय पीऊंगी, उसके बाद कुछ साड़ी वाड़ी बाद में चेंज करूंगी, पहले कुछ पी लूँगी उसके बाद, तो यहीं पे वीडियो का एंड कर दूंगी। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, और जो भी चैनल पे आते हैं न्यू चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलूंगी एक अच्छे से एक नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।